আর কালিকা পূজার হচ্ছে 21 তারিখ আছে কার প্রণতাতে আশা আচারে পেশাবা তো ইয়ার মধ্যে পেশাবিস করে সূত্র মাধ্যমে যেমনি আমি এ পড়তে সিনি সূত্র মাধ্যমে আমি তাকে দেখেছে হলা হস্তস্বর প্রক্রিয়া প্রণতা হস্তস্বর প্রক্রিয়া করি মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ আছে কার প্রণতাতে মন শর্মা 65 কালিকা এত্র মধ্যে স্বাস্থ্য সন্তান বিধিবিষয় পাই अवसान निर्णय शिक्षा वैदिक व्याकरण संबंधित विषय हे व्याकरण तो दी प्रकार है लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण वैदिक व्याकरण संबंधित विषय जो अछि ये हो अवसान निर्णय शिक्षा प्रतिपादन शिक्षा स्वर भक्ति लक्षण लक्षण शिष्ट शिक्षा अक्रम संधान शिक्षा अनुस्वार शिक्षा यदि विधान शिक्षा सारस्वत शिक्षा क्रमकालिक शिक्षा ये सब शिक्षा प्रत्येक शिक्षा विषय वस्तु सब समान केवल ही वर्ण उच्चारण विधि स्वर विधि उच्चारण विधि हस्त स्वर विधि हला ये सब मात्र काल विधि ये सब विषय रे चित्र मु काटटा उच्चारण करत रहले को चाहू तो आदिका हम काटा बोल कृष्ण त्रिवेद शिक्षा ग्रंथ रे मध्य भारतगत शिक्षा व्यास शिक्षा संभ शिक्षा पौगोलिक शिक्षा सर्वसम्मत शिक्षा आरण्य शिक्षा सिद्धांत शिक्षा ये शिक्षा ग्रंथ सिद्धि प्रमुख शिक्षा ग्रंथ हा कृष्ण त्रिवेद कृष्णचंद्रदस्य तो शिक्षा ग्रंथ अछि इतरे मुख्य रूपेण बेसी प्रचलन होछि वर्तमान भारतगत शिक्षा व्यास शिक्षा और भारतगत शिक्षा प्रचलन बेसी चलछि जेडा कि दक्षिण भारत अत्यधिक देखाउ हला प्रतिपाद्य विषय से समान छै वर्ण उच्चारण विधि इत्यादि विषय तेरो उनका काम अधिया पाइले गौतम शिक्षा संबंध होछि सामवेद सहित आर खंड नौटी खंड कर्ता होती गौतम आ लोमसी शिक्षा ए चौस्तरी कारिका अछि आ कर्ता होती लोमस आ गोटे शिक्षा प्रमुख शिक्षा ग्रंथ होती नारदीय शिक्षा तुम जानी ए नारदीय शिक्षा संबंध सामवेद सहित अच्छी यार नारदीय शिक्षा को दुईट प्रपाठ में विभाग कराई आ प्रत्येक प्रपाठ में आठटी आठटी खंड अच्छी टोटाल मिसिकली नारदीय शिक्षा के कितने खंड अछि 16 खंड अछि आ कारिका संख्या के 237 आ नारद शिक्षा रे कोन अछि जेमि तो अन्य शिक्षा ग्रंथ अछि से आ ये सामवेद सहित संबंध धारण करछि त गान पद्धति की दृष्टि राखि रखि गान की दृष्टि राखि तेन ओ गान केते बेले हबो ना तो घोष जो आमे जो कहुछे कोन जो सप्तस्वर षडज मध्यम ऋषभ गांधार ये जो सप्त षडजा स्वर आसंति सप्त षडजा स्वर जो अच्छे षडज ऋषभ गांधार मध्यम वकील निषाद ये जो सप्त स्वर सब अच्छी जो धैवता ये जो सप्त स्वर से सप्त स्वर विषय रे नारद शिक्षा रे चर्चा है अच्छा प्रत्येक वर्ण रो उच्चारण स्थान तार स्वर की वाली उच्चारण हो एवं केउ स्वर केति की मात्रा उच्चारण हो प्रत्येक स्वर रो केति की मात्रा काल रहबो तार मध्ये घरे उच्चारण काहे की ना प्रत्येक स्वर उच्चारण क्षेत्र जे वाली भाव रे हमर रहउची कोन उदात्त अनुदात्त स्वरित केत्र भेद सामवेद ठीक अलग सामवेद रे तार स्वरितर मध्य भेद अछि स्वरित तीन प्रकार स्वरित अछि ओ या तिलकार चलिब अर्थात पुणि में चलिब स्वर एम चलिब तनु ए स्वर ज्ञान यदि चाहिए तो को ताला आपको ज्ञान दे सकते हो सामवेद का मतलब तीन प्रकार है तो सामवेद यार के तीन प्रकार है अथर्ववेद एक तरह शिक्षा का ग्रंथ है अथर्ववेद केवल गोटे शिक्षा ग्रंथ से जो पांडुलिपि शिक्षा आओ एतरे 178 टी श्लोक अछि हला ए मांडुलिपि शिक्षा 1800 मसीह रे प्रथम प्रकाश रहितला काशी त परमस्त आओ बतर शिक्षा संग्रह जो गोटे पुस्तक बनारस रे एजे शिक्षा संग्रह से शिक्षा संग्रह पुस्तक रे ए मांडुलिपि शिक्षा वर्तमान में रहैछि आ वे द्वितीय प्रकाशन मात्र 1921 रे लाहौर रे पंडित भगवत मतलब एको
द्वितीय प्रकाश करछन्ति संसाधन करछन्ति एवर जो आपने ये मान के शिक्षा वर्तमान अक्षर वेद्य माने को पाई गुडे तब को शिक्षा करत हला वस्तु मुद्दा को बेसी बस आदि बढेले मध्य और जी सर्वे साम शास्त्र मुख्य प्रयोजन वर्तते वेदारण वेद संख्या यदि वेद सुरक्षा हबो तार सब शास्त्र सुरक्षा वेद सुरक्षा काय दरकार ना वेद होची सकल शक्ति रा आधार काई की ना वेदा सर्वम जोड होची जो शास्त्र तत्व सब को व्यास ने वेद रास वेदा सर्वम प्रसिद्ध है चल सिद्ध में कहले आचार्य मनु कहले जे वेद और वेद होची सकल शक्ति रा आधार आ वेद होची धर्म मूल वेद किलो सर्व ज्ञानो समस्त ज्ञान र मूल होचे वेद मन वेद र सुरक्षा आवश्यक आ वेद र सुरक्षा करिया कोले कि वेद र अंग मन कर अध्ययन मते आवश्यक यदि अंग रहित वेद अध्ययन करगा आले अंग रहित वेद अध्ययन करिया तरा हम वेद र अर्थ ज्ञान करिया नाही आ वेद र अर्थ ज्ञान दि रहला ताले हम वेद अध्ययन करिया जा सके तर सेति पे हमको अंग सहित वेद अध्ययन करिया आवश्यक कर शिक्षा वेदा कर आवश्यक है कि क्या मतलब है का मतलब है अस्तु सर्वज्ञ न हेलो आज मैं बहुत खुशी लागो जी मैं अधिक का को बेसी बढ़िया को चाहिए नहीं।